नमस्कार मित्रों, बीके गाइड चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं ऑटोकैड आपको प्रारंभ से सिखा रहा हूं। इससे पहले मैंने एक सिंपल ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए आपको सिखाया था। इस वीडियो में आगे सर्किल एवं और कुछ और कमांड आपको सिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग ड्राइंग शीट पर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये स्टेटस बार में कुछ इम्पॉर्टेंट आइकन्स जो हैं, जो ऑटोकैड के इम्पॉर्टेंट फीचर्स को ऑन ऑफ करते हैं, इसको हम लोग एक बार सीख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आता है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्नैप मोड। ये स्नैप मोड अगर ऑन हो तो क्या करता है, जैसे इसको अगर एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑन हो गया, यहाँ स्नैप ऑन लिख गया। अब अगर आप जैसे लाइन कमांड लीजिए और कोई एक लाइन क्लिक करके जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये जो डिस्टेंस है वो स्नैप होता है। जैसे हाफ हाफ इंच पर देखिए, हाफ हाफ इंच पर वो आगे बढ़ रहा है। जैसे ऐसे करते हैं, हाफ इंच हाफ इंच हाफ इंच, इस तरह से वो स्नैप होते जाता है। मतलब एक जगह स्टॉप होता है, फिर उसके बाद दूसरा, कंटिन्यूटी नहीं रहती है ये ऑन होने से। इसके बाद है, इसको फिर ऐसे सामान्यतः हम लोग ऑफते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए, ये है दूसरा में ग्रिड डिस्प्ले। इसको अगर हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं, जैसे इसको ऑन कर दिया तो देखिए क्या है, पॉइंट पॉइंट एक ग्रिड आ गया। तो इससे एक डिस्टेंस का हम लोग अंदाज लगा सकते हैं, या स्नैप को, स्नैप का सेटिंग भी इसके साथ कर देंगे तो ये ग्रिड के साथ स्नैप होगा। ये है ग्रिड डिस्प्ले। इसके बाद अब जो है सो आगे आइकन, ये देखिए ऑर्थो मोड। ये ऑर्थो मोड बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर हम लोग ऑन कर देते हैं तो सिर्फ हॉरिजेंटल एवं वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ऐसे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखिए, यहाँ से ऐसे ड्रॉ किए तो ये किसी भी एंगल में ये ड्रॉ ऊपर नीचे जा रहा है। लेकिन सामान्य बिल्डिंग के वर्क में जैसे हम लोग को सिर्फ हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन की ज़रूरत होता है तो इसको ऑन करते हैं। देखिए अब इसको ऑन करने के बाद क्या होता है, इसको ऑन कर दिया ऑर्थो ऑन। अब देखिए लाइन कमांड लेकर के, अब जैसे ये फर्स्ट पॉइंट देते हैं तो सेकंड पॉइंट सीधा ये, अब जो है सो सीधा ये चाहे हॉरिजेंटल ड्रॉ होगा या वर्टिकल ड्रॉ होगा। ये जैसे हॉरिजेंटल ड्रॉ हो गया, अब नीचे करेंगे वर्टिकल ड्रॉ होगा, किसी एंगल पर ड्रॉ नहीं होगा ये ऑन होने के बाद। तो इसमें वर्टिकल हॉरिजेंटल ड्रॉ करने के लिए ऑर्थो मोड बहुत ही काम का ये फीचर है ऑटोकैड का। वैसे अगर टेम्पोररीली ऑर्थो मोड का उपयोग करना हो तो उसका भी है जैसे उपाय है। जैसे हम लोग यहाँ पर इसको ऑर्थो को ऑफ कर देते हैं तो देखिए अब दूसरे एंगल पर हो गया। लेकिन हमको अगर करना है हॉरिजेंटल ड्रॉ तो शिफ्ट अगर क्लिक, शिफ्ट को आप प्रेस करें, देखिए हम शिफ्ट की प्रेस किए हुए हैं, शिफ्ट प्रेस करने से टेम्पोररीली ऑर्थो वर्क करने लगता है। फिर ये शिफ्ट, ऐसे शिफ्ट नहीं प्रेस किए होते, इधर जा रहा है, हम शिफ्ट प्रेस कर देते हैं तो देखिए सिर्फ हॉरिजेंटल या वर्टिकल होगा। तो ये है ऑर्थो का यूज। अब ये इसको ऑफ कर देते हैं। ऑर्थो के बाद आ जाते हैं हम लोग पोलर ट्रैकिंग। ये पोलर ट्रैकिंग क्या करता है कि जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो किसी पॉइंट से किसी खास खास एंगल पर वो एक ट्रैकिंग लाइन शो करता है। जैसे कि ये पोलर ट्रैकिंग को हम लोग ऑन कर दे रहे हैं, पोलर ऑन, और ये लाइन ले लेते हैं। सपोज कीजिए कोई आर्बिट्रेरी लाइन ले लीजिए आप,
अब यहाँ से देखिए देखिए, ये जैसे ही एक 135 डिग्री पर आया तो एक ट्रैकिंग लाइन शो करने लगा इस तरह से, और भी दूसरा लाइन 90 डिग्री पर भी आएगा तो ये ट्रैकिंग लाइन शो करेगा। इसका सेटिंग भी होता है, इसमें कितने कितने डिग्री पर ट्रैकिंग लाइन हम लोग सेट कर सकते हैं। सेटिंग करने के लिए ये राइट क्लिक कीजिए, सेटिंग में जाइए और पूरा ट्रैकिंग देखिए। यहाँ पर इंक्रीमेंटल एंगल है 45 डिग्री, अगर इसको हम लोग सपोज कीजिए 30 डिग्री कर देते हैं तो देखिए, अगर 30 डिग्री के एंगल पर ये ट्रैकिंग शो होगा। देखिए अब ये 30 डिग्री पर होगा, फिर 60 डिग्री पर इनके ये ट्रैकिंग शो होगा। इसका भी बहुत उपयोग है। ये पोलर ट्रैकिंग के बाद है ऑब्जेक्ट स्नैप। ये ऑब्जेक्ट स्नैप से क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट में जैसे कोई रेक्टेंगल हो, लाइन हो या सर्किल हो, तो उसमें डिफरेंट पॉइंट पर को जब हमको पिक करना होता है तो वहाँ वो आसानी से स्नैप कर जाता है, अर्थात उस पॉइंट पर से स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि इसको ऑन कर लेते हैं, ऑन होने पर ये थोड़ा डीप हो जाएगा कलर इसका। अब देखिए लाइन कोई लेकर के देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ आए ये मिड पॉइंट, यही ऑब्जेक्ट स्नैप में ऑब्जेक्ट का ये मिड पॉइंट जो है वो वहाँ पर स्नैप हो रहा है। अब हम क्लिक करेंगे तो अपने आप वहाँ मिड पॉइंट से ये लाइन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये मिड पॉइंट से स्टार्ट हो गया लाइन। अब दूसरी जगह जैसे इस इधर जैसे इस तरफ हम लोग को ड्रॉ करना है तो फिर से ये मिड पॉइंट यहाँ आ जा रहा है। इसी तरह से अगर हमको एंड पॉइंट के यहाँ ले जाए तो ये एंड पॉइंट स्नैप हो, देखिए ये एंड पॉइंट, जैसे ही एंड पॉइंट आपको दिखे आप क्लिक करेंगे तो एंड पॉइंट से ही लाइन स्टार्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट स्नैप का उपयोग है। ऑब्जेक्ट स्नैप के बाद ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग है। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्या करता है कि वो ऑब्जेक्ट स्नैप का जहाँ वो पॉइंट है उससे ट्रैकिंग वेक्टर आपको डिस्प्ले होता है। इसको ऑन करने के बाद जैसे इसको ऑन कर देते हैं, ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को ऑन कर देते हैं तो ये, और उसके साथ ऑब्जेक्ट स्नैप भी ऑन होना चाहिए। तो देखिए जैसे ही लाइन कमांड को लीजिए और कोई भी पॉइंट को जैसे यहाँ थोड़ा देर के लिए अब रखिएगा तो देखिए ये इस तरह का ट्रैकिंग लाइन जो है ये जो वेक्टर, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ये हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के ऑन होने के बाद ही शो होता है। इसका कैसे उपयोग करते हैं, इसका एक जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, एक आर्बिट्रेरी रेक्टेंगल ले लेते हैं और सपोज कीजिए कि इसके सेंटर में एक हमको सर्किल ड्रॉ करना है तो ये कैसे ड्रॉ करेंगे। अब इसका मिड पॉइंट एक सर्किल कमांड जैसे ले लेंगे, सर्किल कमांड सेंटर रेडियस से लेते हैं, आगे हम सर्किल के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट स्नैप ये यहाँ थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये देखिए ट्रैकिंग वेक्टर आपका इधर डिस्प्ले होने लगता है। हमको सेंटर खोजना है फिर यहाँ पर उस ले आते हैं और थोड़ा देर रखेंगे तो यहाँ से भी शुरू होगा। अब इधर की तरफ बढ़िएगा, आप जैसे ही आप आइएगा बीच में, ये देखिए जैसे यहाँ क्रॉस चिन्ह आता है, जैसे क्रॉस चिन्ह आए क्लिक कर दीजिए तो ये सेंटर पॉइंट पर आपका लोकेट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के सहायता से इस तरह से हम लोग पॉइंट को डिटेक्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग हो गया। इसके बाद है अलाउ डिस अलाउ डायनेमिक UCS, इसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। इसके बाद डायनेमिक इनपुट, ये डायनेमिक इनपुट ऑन होने से क्या होता है कि जैसे हम लोग
ये डायनेमिक इनपुट अभी ऑन है, डायनेमिक इनपुट ऑन होने से जैसे ये लाइन कमांड लिए और ये अभी आपको स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आ रहा है और इसके बाद दूसरा पॉइंट हमको स्पेसिफाई करने के लिए उसमें डिस्प्ले होते रहता है। देखिए ऊपर जैसे 14 फीट 11 इंच या शो हो रहा है, इस तरह से वो डायनेमिक इनपुट प्लेस करने के लिए हमको ऑप्शन दे रहता है। इसके बाद है ये लाइन वेट। लाइन वेट जैसे किसी लाइन को अगर हम लोग जैसे ये लाइन हम सेलेक्ट करते हैं और इसका लाइन वेट यहाँ से देना होता है, लाइन टाइप लाइन वेट, लाइन वेट हम लोग बढ़ा देते हैं। जैसे इसका लाइन वेट अगर कर दीजिए आप, सपोज कीजिए कि आपको दिखाने के लिए मोटाई देते हैं 1.2 mm, लेकिन देखिए ये लाइन का मोटाई आपको शो नहीं हो रहा है। जब इसको ऑन करेंगे, ये लाइन वेट को आप ऑन कर दीजिए तो देखिए ये आपका जितना लाइन मोटा था वो शो होने लगा। ये इसका अब फिर से अगर लाइन वेट को हम लोग क्लिक करेंगे तो आपका लाइन वेट ऑफ हो जाएगा, जब ऑफ हो जाएगा तो ये शो नहीं करेगा। इसके बाद है क्विक प्रॉपर्टीज। ये अगर ऑन रहता है तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो उसका प्रॉपर्टीज डिस्प्ले होता है। अभी ये ऑफ है तो जैसे ये हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसका प्रॉपर्टीज नहीं आ रहा है। इसको ऑन करके देखते हैं, इसको ऑन कर दिया। अब इसको देखिए सेलेक्ट कीजिए, देखिए ये प्रॉपर्टीज इसका आ गया, ये पॉली लाइन है, लेयर है, कौन सा लेयर पर लाइन टाइप क्या है, ये सब चीज़ इसे हम लोग को कुछ चेंज करना हो तो यहीं से कर देते हैं। इसको अगर ऑफ कर देंगे तो ये क्विक प्रॉपर्टीज फिर से नहीं शो होगा। तो स्टेटस बार पर ये सब जो टॉगल आपका आइकन्स हैं जिसको ऑन ऑफ किया जा सकता है, इसके उपयोग से ड्राइंग का यूटिलिटी काफ़ी बढ़ जाता है और ड्राइंग करना बहुत आसान हो जाता है। अब हम लोग इसमें ड्रॉ पैनल में आपका सर्किल कमांड के बारे में इस वीडियो में सीखते हैं। इसको डिलीट कर दीजिए। तो सर्किल में ये पहला ऑप्शन तो है हमारा सेंटर और रेडियस, तो ये बहुत आसान है। जैसे एक पहले ट्रायंगल हम ड्रॉ कर देते हैं, कोई आर्बिट्रेरी ट्रायंगल, ये जैसे ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट में एंड पॉइंट शो करता है हम क्लिक करते हैं, ये ट्रायंगल मेरा ड्रॉ हो गया। अब ये सर्किल में जो पहला ऑप्शन है सेंटर और रेडियस, सेंटर और रेडियस को इसको लेते हैं। पहले हम लोग चाहते हैं कि इनस्क्राइब्ड जो है इसके ट्रायंगल के अंदर में एक सर्किल लें जिसका कोई रेडियस हो, तो इसमें देखिए यहाँ पर जैसे कि ये ट्रैकिंग वेक्टर आ गया और फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ट्रैकिंग लेते हैं और ये जैसे ही यहाँ क्रॉसिंग आएगा आपका इसको क्लिक कर दीजिए। अब उसको जो रेडियस आपको देना हो, जैसे सपोज कीजिए कि हमको 3 फीट रेडियस देना है तो यहाँ 3 फीट इंटर करेंगे, 3 फीट रेडियस का ये सर्किल ड्रॉ हो गया। इस तरह से सेंटर पॉइंट और रेडियस दो आपको मालूम हो तो सर्किल को आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद अगला इसमें ऑप्शन देखिए, यहाँ इसको क्लिक करिए तो अगला ऑप्शन आ जाएगा सेंटर और डायमीटर। जैसे सेंटर और रेडियस था उस तरह से सेंटर और डायमीटर, वहाँ पर रेडियस की जगह पर आपको डायमीटर सिर्फ डाल देना है, सेम तरह से काम करता है। इसके बाद टू पॉइंट है,
circle using two end points of the diameter. Diameter का अगर दो end point आपको मालूम हो तो कैसे कर सकते हैं, जैसे ये इसको लेते हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये इसका जो साइड है इसको हम लोग डायमीटर की तरह यूज करें, तो पहला पॉइंट यहाँ हम लोग क्लिक कर देंगे और दूसरा पॉइंट यहाँ कर देंगे। ये देखिए इसको डायमीटर क्या, ये टू पॉइंट्स हो गया, टू पॉइंट्स सर्किल ड्रॉ करने के लिए। इस तरह से अगर इसके मिड पॉइंट से और इंड से करना हो ड्रॉ तो भी हम लोग कैसे करेंगे, फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ ये मिड पॉइंट ले लेते हैं और ये इंड पॉइंट। अब की बार डायमीटर हमारा इस साइड का आधा लिए, सर्किल में अगला ऑप्शन हमारा है थ्री पॉइंट। अब ये थ्री पॉइंट्स जो है, थ्री पॉइंट्स सर्कमफेरेंस पर हो, उसका अगर हमको थ्री पॉइंट्स हो और सर्किल ड्रॉ करना हो तो इसके लिए ये ऑप्शन है, तो इसको क्लिक करते हैं। और हम लोग इस ट्रायंगल में इनस्क्राइब्ड सर्किल और सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल दोनों ड्रॉ करके देखते हैं। तो इनस्क्राइब के लिए देखिए इसका जैसे मिड पॉइंट हम ले लिए पहला पॉइंट, फिर इसका मिड पॉइंट ले लिए और ये इसका मिड पॉइंट, पॉइंट सिलेक्शन में थोड़ा सा गलती हुआ, फिर से हम लोग करते हैं। थ्री पॉइंट्स, ये इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, ये देखिए इनस्क्राइब्ड सर्किल हो गया। अब इसमें अब इसका सपोज कीजिए कि और सर्किल बाहर से इसको ड्रॉ करना है और ये तीनों लाइन कर लेना है, तो यहाँ ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, ये तीन पॉइंट लेकर के सर्किल ड्रॉ हो गया। अब जो है सर्किल में अगला ऑप्शन है आपको 10-10 रेडियस, क्रिएट्स ए सर्किल विथ अ स्पेसिफाइड रेडियस टेंजेंट टू टू ऑब्जेक्ट्स। अब दो ऑब्जेक्ट्स के टेंजेंट्स हो और उसका अगर रेडियस पता हो तो हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके लिए है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले दो सर्किल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को ये इस तरह से एक बाईं तरफ क्लिक करके और एक दाहिने तरफ क्लिक करते हैं तो ये जो बॉक्स है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट आता है वो सेलेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्लिक किया और ये यहाँ क्लिक किया तो ये नीचे वाला सिर्फ ऑब्जेक्ट जो है लाइन सेलेक्ट हुआ, ये लाइन और ये लाइन सेलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर ये दाहिने तरफ फर्स्ट लाइन हम क्लिक करें और बाईं तरफ करें तो ये क्रॉसिंग विंडो कहलाता है और इसमें जो भी क्रॉस करेगा सारा सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए इसमें तीनों सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्शन का
मेथड है क्रॉसिंग विंडो और ये बाएं से दाहिने का विंडो जो जिसके अंदर जो आता है ऑब्जेक्ट वो सेलेक्ट हो जाता है। तो हम लोग चल रहे थे आपको सर्किल का कमांड में 10-10 रेडियस में सर्किल कैसे ड्रॉ होता है। तो दो सर्किल हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल सेंटर रेडियस से, जैसे ये ड्रॉ कर लिया। अब जो है दोनों पर टेंजेंट हो और रेडियस उसका पता हो, इस तरह का सर्किल हमको ड्रॉ करना है। इसको क्लिक कर देते हैं तो क्या कहता है, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्किल। तो इसमें हम लोग कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ कर लिया। स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, ये कर लिया। अब रेडियस कहता है, रेडियस हम लोग मान लीजिए कि 6 फीट का करते हैं। ये देखिए ये दोनों सर्किल पर टेंजेंट हो गया और एक रेडियस हमको जितना था दिए उसके अनुसार ये ड्रॉ हो गया। अब इसमें इसको क्रॉसिंग विंडो से सेलेक्ट करके और डिलीट कर देते हैं। इसके बाद है 10-10-10 क्रिएट सर्किल टेंजेंट टू 3 ऑब्जेक्ट्स। 3 ऑब्जेक्ट में अगर टेंजेंट हो तो कैसे हो सकता है। तो इसके लिए चलिए एक पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। और ये तीनों साइड का टेंजेंट एक हमको सर्किल ड्रॉ करना है। इसको ले लेते हैं 10-10-10। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्किल, तो ये यहाँ ले लिए पॉइंट, एक यहाँ ले लिए और एक यहाँ ले लिए। देखिए ये तीनों पॉइंट को टच करते हुए ये सर्किल ड्रॉ। इस तरह से हम लोगों ने आज सर्किल डिफरेंट तरह से कैसे ड्रॉ करते हैं एवं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, लाइन वेट, ऑर्थो मोड, ये सब हमने सीखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बीके गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।